गाइज वेलकम टू डी के मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को प्लेइंग विथ नंबर का लास्ट 3.6 एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चन के साथ करवाना अलाउ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको आता ही होगा अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी जा सकते वो वीडियो देख लो। तो अगर कॉमन फैक्टर आता है तो पहले हम लोग को नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने 18, 48 दोनों के फैक्टर्स लिखे हैं, मतलब वो नंबर जो इससे कम्प्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो बचता है। तो वो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए। फिर उसके बाद इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 4 9, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को जो कॉमन फैक्टर मिले वो मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को 4 नंबर जो है वो कॉमन मिले। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF वो होता है जो इनमें से हाईएस्ट होता है। तो HCF इन 4 में से हाईएस्ट कौन सा? 6। तो इन दोनों नंबर का HCF है 6। तो ये तो बहुत चिंदी आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि कॉमन फैक्टर में सिर्फ हाईएस्ट ढूंढना है, वो था 6। तो 48 और 16 का HCF है, सॉरी 18 का HCF है 6। तो बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बी सी डी ई पार्ट लिख दिया। तो मैंने कैसे किया और एक बार समझा देता हूँ। 30 के मैंने फैक्टर्स लिखे, फिर 42 के भी फैक्टर्स लिखे। दोनों के फैक्टर लिखने के बाद मैंने कॉमन फैक्टर्स निकाले जो थे 1, 2, 3 और 6। इतने कॉमन फैक्टर्स थे। उसके बाद मैंने इनमें से हाईएस्ट देखा 6, तो 6 था इसका HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 और 42 का। सी पार्ट में 18 और 60 में 1860 का सारा फैक्टर्स लिखा। फैक्टर्स लिखने के बाद उसके कॉमन फैक्टर जो है 1, 2, 3 और 6, ये 4 इसके भी सेम फैक्टर्स थे कॉमन फैक्टर। तो इसके बाद इसमें से हाईएस्ट था 6, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 1860 का 6। डी पार्ट में 2763 में 27 का सारा फैक्टर लिखा, फिर 63 का सारा फैक्टर लिखा, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर निकाले जो है 1, 3 और 9, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। फिर HCF इनमें देखा सबसे हाईएस्ट 9 है, तो 9 हुआ 2763 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ई पार्ट में 36 और 84 का सबसे पहले फैक्टर्स लिखा। फैक्टर्स लिखने के बाद उसका कॉमन फैक्टर निकाला जो है 1, 2, 3, 4, फिर 12 है, ये 5 थे इसके कॉमन फैक्टर्स। के बाद हाईएस्ट था इसमें 12, तो HCF हुआ 12। तो बढ़ते इसके बाकी के पार्ट्स में। तो यहाँ पे मैंने F, G, H और I पार्ट लिख चुका है, तो मैं एक करके समझाता हूँ। तो 34 और 102 में मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए, फिर उसमें से कॉमन निकाले जो है 1, 2, 17 और 34। तो ये लिखने के बाद इसमें हाईएस्ट था 34, तो HCF हुआ 34, 102 का 34। तो G पार्ट में 70, 105, 175 का मैंने सारा फैक्टर्स लिख दिया, फिर कॉमन फैक्टर 111। ये जो 3 नंबर का इसमें भी सेम ही चीज़ करनी है, लिख के फैक्टर्स लिखने के बाद हम लोग को कॉमन फैक्टर निकालना है, उसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट वाला लिखना है। तो इसमें 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, ये 5 और 35 भी कॉमन है, ये 35 और ये 35। तो उसको लिख दिया, इसमें से हाईएस्ट था 35, तो इनका HCF हुआ 35। और H पार्ट में 91 का 112 का 49 का मैंने फैक्टर लिखने के बाद उसमें से कॉमन फैक्टर था 1 और 7, ये 7। तो इसमें से हाईएस्ट था 7, तो HCF हुआ 7। और आई पार्ट में 1854 81 में इसका मैंने फैक्टर्स लिख दिया। फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें से कॉमन ढूंढा जो है 1, 3 और 9, ये 9 और ये 9। तो लिखने के बाद मैंने हाईएस्ट देखा 9 है, तो 9 इसका हुआ HCF। तो इसके लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो ये है लास्ट पार्ट जे इस क्वेश्चन का। तो इसमें दिए 3 नंबर 12, 45, 75। तो 12, 45, 75 का मैंने पहले फैक्टर्स निकाल दिया, फिर उन फैक्टर्स का मैंने कॉमन फैक्टर्स निकाल दिया जो है 1, 3, 1 और 3, इसमें और कोई कॉमन था नहीं। फिर कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट था 3, तो इसका HCF हुआ 3। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, और ये जो HCF और प्राइम फैक्टराइजेशन है ये आप लोग को अभी ईजी लग रहा रहेगा, पर इसमें एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो HCF और प्राइम फैक्टराइजेशन है ये टॉपिक्स 10th तक आते रहते हैं, तो इसे आप जितना अच्छा बना लेंगे उतना और अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें हम लोग के लिए एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग
जैसा कि तो अगर मैं इधर 3 नहीं लिखता तो हम लोग को 3 कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो फिर इसमें 3 सबसे हाईएस्ट है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसमें एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि वॉट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया कि दो कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी अगर दो कॉन्सिक्यूटिव का नंबर का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का HCF क्या होता है। तो मैं ए पार्ट नंबर से चालू करता हूँ। तो जैसे मैं दो नंबर ले लेता हूँ, 14 और 15, तो इसका HCF क्या होगा। तो हम मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, पहले इसका कॉमन फैक्टर लेता हूँ। 14 का होता है 1, 2, 7, और 14 खुद, और 15 का होता है 1, ये 2 से नहीं आता, 3 से, 5 से और 15 से। फिर इसमें CF मतलब कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1। तो कभी भी अगर हम लोग कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का अगर हम लोग क्या बोलते हैं HCF निकाले, तो वो हमेशा 1 होता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 27 और 28। तो मैं 27 1 से होता है, 2 से, 3 से होता है, 9 से होता है, और 27 से होता है। अब 28 28, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है, और खुद से होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर होगा 1, फिर HCF भी 1 ही होगा। तो कभी भी हम लोग कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले तो उसका HCF हमेशा 1 रहता है। तो अभी हम लोग इवन नंबर्स में जाते हैं। तो कोई भी दो इवन नंबर ले लेते, जैसे 8 और 10। तो पहले मैं 8 का फैक्टर्स निकालता हूँ। 8 का 2 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, सॉरी 1 भी है, 1 में फैक्टर, 2 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, और खुद 8 है। 10 में 1 है, 2 है, फिर 5 है, और 10 खुद है। तो इसमें 1 CF में 1 है और 2 है, तो हम लोग का HCF होता है 2। कभी भी अगर हम लोग कॉमन फैक्टर 8 10 का निकाले, तो उसमें हमेशा हमें HCF जो रहता है वो 2 मिलता है। मैं और एक एग्जांपल समझाता हूँ, और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। हर एक क्वेश्चन का हम लोग दो दो एग्जांपल लेंगे। तो अभी और एक, जैसे 16 और 18। तो 16 का हम लोग, 16 के 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से नहीं जाता, 4 से जाता है, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से जाता है, और कुछ से जाता है। फिर 18 जो है वो 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, 6 से जाता है, 7 से भी नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता, 9 से जाता है, और किस से नहीं जाता, और खुद से जाता है। तो इसमें हम लोग को जो, इसमें भी हम लोग को कॉमन फैक्टर जो है वो 1 मिला है और 2 मिला है, तो हम लोग का HCF 2 होगा। तो हर कोई भी अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हम लोग को कभी भी HCF 2 ही मिलेगा। कभी भी अगर हम दो इवन नंबर्स ले, वो भी कॉन्सिक्यूटिव ना चाहिए, मतलब एक के बाद डायरेक्ट अगला को हम लोग छोड़ छोड़ के नहीं ले सकते, उसमें डिफरेंट आ सकते हैं। तो बढ़ते इसके सी पार्ट की तरफ। हम लोग कोई भी दो ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 7 और 9। तो मैं पहले 7 का लिखता हूँ। 7 का तो 1 है, और 7 खुद है, और 9 का है 1 3, और खुद 9, और उसका कोई क्या बोलते हैं वो नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो हम लोग का कॉमन फैक्टर होगा 1, तो ऐसे भी 1 ही होगा क्योंकि इसमें और कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग कोई भी रैंडम में दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले तो उसका हमेशा HCF 1 होता है। तो मैं इसका भी एक और एक एग्जांपल करता हूँ। तो जैसे 17 17 जान 13 और 15, 13 और 15 लेते हैं। तो 13 का फैक्टर है 1, और 13 खुद, 15 का है 1, 2 नहीं है, 3 है, और 5 है, और 15 खुद है। तो इसमें हम लोग को क्या कॉमन फैक्टर मिला है 1, तो इसका HCF भी 1 होगा क्योंकि और कोई नंबर नहीं। तो हमेशा हम लोग कोई भी
ऑड नंबर ले तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और इवन नंबर्स का हमेशा 2 होता है, और कोई भी हम लोग दो रैंडम 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले तो उसका 1 होता है। तो एक बार मैं इसे अच्छे से इंग्लिश में लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में सब के आंसर लिख दिया। एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1, एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2, एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1। ये हमेशा अगर हम लोग कुछ भी नंबर ले तो उसका कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 होता है, और एच सी एफ ऑफ 2 कभी भी कोई भी दो हम लोग इवन नंबर्स ले तो उसका हम लोग का एच सी एफ होता है 2, और कभी भी अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव रैंडम ऑड नंबर ले तो उसका एच सी एफ होता है 1। तो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि एच सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज। फैक्टराइजेशन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो एच सी एफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0 इफ द आंसर करेक्ट, इफ नॉट वॉट इज द करेक्ट एच सी एफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है एच सी एफ 2 को प्राइम नंबर 4 और 15 का पता चला फैक्टराइजेशन के से 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। तो इन दो नंबर्स का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो क्या इसका एच सी एफ 0 है या नहीं? सही आंसर एच सी एफ इसका क्या है? तो जो 15 का पता चला हम लोग को वो है 3 इंटू 5 और 4 का है 2 इंटू 2, तो इसमें हम लोग का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर हमेशा अगर हम करते हैं तो वो उसमें स्टार्टिंग में इंटू 1 भी होता है, पर फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता। पर अगर हम लोग इसे इंटू 1 कर रहे हैं तो इसका कुछ आंसर गलत हो रहा है। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 1 15 ही तो होता है, तो ये 1 लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 और 1 कॉमन है, तो 1 जो है वो इसका एच सी एफ है। फैक्टराइजेशन किया है उसमें 1 नहीं आया, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 है, क्योंकि अगर हम इसमें वो इंटू 1 भी कर देते हैं तो उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आता। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो आंसर है वो 0 नहीं 1 है, करेक्ट आंसर 1 है। तो हम लोग को लिखना है नो द आंसर इज 1, करेक्ट आंसर इज 1। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है। तो यहाँ पे चैप्टर का भी दी एंड हो चुका है। तो अगर इस चैप्टर में सारे एक्सरसाइज आप लोग को समझ में आ गए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी एक्सरसाइज में डाउट हो तो उस एक्सरसाइज के कमेंट सेशन में लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।